हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी 11 बज गए हैं और राजस्टूडेंट तुषा और मैंने सब ने नहा लिया और रेडी हो गए हैं। तो गाइस, फिलहाल तो आज तो यहाँ पर सोने लगी है, उनको नींद आ गई है, नहा के आई है तो नींद आ गई है, तो वो सोने लगी है। फिलहाल अभी अभी नहा कर आई है और नींद भी आ गई, तो ये सो गई है पूरी तरह से। तो गाइस, बाहर चलते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं जो कि बिल्कुल अच्छे लगते हैं, काफ़ी प्यारे लगते हैं गाइस। गाइस, बाहर काफ़ी ज़्यादा धूप है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो फिलहाल तो चलते हैं, जानू लंच बना रही है तो खाना रेडी हो रहा है, वहाँ पर चलते हैं। गाइस, यहाँ पर खाना पक रहा है तो दोपहर का खाना रेडी हो रहा है, तो चूल्हे पर ही बना रहे हैं तो चूल्हे। तो यहाँ पर जानू रोटी बना रही है, यहाँ पर इतनी सारी रोटी बन गई है, तो दोपहर का खाना रेडी हो गया है, तो यहाँ पर बन रहा है खाना। जब भी हम आए छत पे, दोपहर के 1 बज गए हैं, धूप बिल्कुल नहीं है, पूरे आसमान में बादल छाए हुए, तो धूप बिल्कुल है नहीं। तो हमने अभी खाना खा लिया और ऊपर छत पर आ गए हैं। यहाँ पर तुषा अपना होमवर्क कर रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, जब भी ये तुषा होमवर्क कर रही है अपना, और इसके साथ बच्चे भी है साथ में, और ये भी पढ़ाई कर रहा है और तुषा भी साथ में पढ़ाई कर रही है। तो क्या लिख रहे हो? हाँ, पसीना आ गया लिखते लिखते, पसीने से पंखा चल रहा है फिर भी पसीना आ गया। बाहर तो धूप बिल्कुल नहीं है। तो क्या पढ़ रही हो? ये क्या है? तो गाइस, जब भी ये पढ़ाई कर रही है तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो लिखने देते हैं। तो गाइस, शाम के 6 बज गए और अभी हमने चाय वाय पी ली है, और ईशा आते ही पहले तो ब्रश लेके आई है सुबह में ब्रश करने के लिए, दो नए ब्रश लेके वापस आ गई है, क्योंकि उनके पास नहीं थे ब्रश, तो सुबह सुबह में ब्रश करने की दिक्कत हो जाती थी, तो ये छोटे वाले दो ब्रश लेके आए हैं, तो ये दो ब्रश लेके वापस आ गए हैं, तो सुबह सुबह में उनको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आस्था खेल रही है और उसको रख देते हैं। फिलहाल तो चलते हम थोड़े घूमने के लिए, हम आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए। यहाँ पर हमारा गोडाउन है उस तरफ, तो मेरे साथ में आई थी तुषा एंड आस्था, दोनों ही मेरे साथ आई थी। तो अभी फ़िलहाल वो वहाँ पर खेल रही है, क्योंकि यहाँ पर गोपी भी है साथ में, काफ़ी बच्चे भी है, तो उनके साथ खेल रही है। तो यहाँ पर टाइम हुआ है 6:26, तो अभी फ़िलहाल वहाँ पर चलते हैं। हमारा गोडाउन है और यहाँ पर तम्बाकू का गोडाउन है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का नज़ारा है, चारों ओर खेत में ही है, तो चारों ओर का खेती खेत है और पवन भी काफ़ी अच्छी चल रही है, तो यहाँ पर शाम के वक्त घूमना बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो मैं आशु एंड तुषा दोनों को साथ में ही लेकर आता हूँ, यहाँ पर काफ़ी अच्छा उनको भी लगता है, तो मैं उनको भी साथ ले आता हूँ, तो आपको उनसे मिलवाता हूँ। मैं वहाँ पर चलता हूँ तो मैं उनको भी साथ में मिलवाता हूँ, आशु एंड तुषा। तो यहाँ पर बैठी हुई है और बच्चे भी काफ़ी सारे हैं तो खेल रही है। क्या टंकी है पानी की, के अंदर काफ़ी गहरा पानी है, तो अभी तो फिलहाल काफ़ी टंकी खाली हो गई है, तो पानी को लेने में दिक्कत हो रही है, तो पूरी ख़राब हो गई है, तो उसको पानी से सफाई कर लेंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पर अभी स्टार्ट करती है मोटर, तो पानी थोड़ी देर में ही आ जाएगा, तो पूरी तरह से सफाई कर लेंगे। तो ये भी पानी आ गया है। Thank you.
पूरी सफाई हो चुकी है उनकी भी, तो फिलहाल तो उसे सुखाने के लिए रख गई है, फिर बाद में चलेंगे घर पे। काफ़ी टाइम बिता लिया है हमने और यहाँ पर बिल्कुल मज़ा आ गया, तो अभी तो फिलहाल चलते हैं घर पे। तो आस्था एंड त्रुषा दोनों गाड़ी में घर पे आएंगे और मैं तो पैदल ही जाने वाला हूँ, तो मैं पैदल ही जाता हूँ, तो वो दोनों गाड़ी में गई है और मैं पैदल ही जाता हूँ, तो गाइस घर पे ही मिलते हैं। हम घर पर आ गए हैं और शाम के 7:30 बज गए हैं, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा मज़ा आया, घूमे फिरे फिर वापस घर चले आए। त्रुषा ने आस्था दोनों भी घर पे आ गए थे, वो गाड़ी में आए थे, मैं पैदल ही आया था। वो घूमना बहुत ही मज़ा आ जाता है और वैसे भी खेत में काफ़ी खुली जगह पे घूमना तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं उनको दोनों को साथ लेके ही जाता हूँ, त्रुषा और आस्था को दोनों को। घर पे रहकर बोर हो जाते हैं तो उनको घर ले जाता, बाहर ले जाता घुमाने फिराने, तो उनको भी मज़ा आता है घूमने में और हमारे फ्री टाइम का भी अच्छा बीत जाता है, तो लिटरली गाइस मज़ा आ जाता है, इसलिए हम उनको घुमाने के लिए साथ ही ले जाते हैं। मैं भी अकेला ना रहूँ इसलिए उनको भी साथ ले चलता हूँ, तो गाइस लिटरली मज़ा आ रहा है। कच्ची आम खा रही है, तो यहाँ पर आम खेत में से आई, घूम के आए फिर आम खाने लगे कच्ची। पहले कैसी लग रही है? वेफर्स का है, फिर आम खाने लगे तो भूख ज़्यादा लगी थी। अच्छा कोई बात नहीं, चलो खाना खा लिया है। फिलहाल तो करते हैं ब्लॉग का एंड, आई होप पसंद आए तो लाइक करना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।